गुरु भक्ता मम आत्म सोई वाके हृदय रहूं समोई। 68 तीर्थ भ्रम भ्रम आवे सो फल गुरु के चरणा पावे। ओह 68 तीर्थों में भ्रम भटक कर आवे, इससे अच्छा एक ही गुरु के चरणों में आने से आपको वो सभी लाभ, सब लाभ मिल जाए। वहां तो कोई लाभ है ही नहीं, तीर्थों पर भ्रमण करते हैं कोरे पाप को मावे, कोई पुण्य नहीं है। लेकिन हम भ्रमित कर दिए वहां नहाने से ऐसा होगा, वहां नहाने से ऐसा होगा, तो परमात्मा उसी दृष्टिकोण से उदाहरण देकर आपको समझाते हैं। क्या बताते हैं, दसवां अंश गुरु को दीजे जीवन जन्म सफल कर लीजे। दसवां अंश अपनी कमाई का, नेक कमाई का दसवां अंश दान में लगावे, गुरु जी को देवे, जीवन जन्म सफल कर लीजे। दसवां अंश गुरु को दीजे जीवन जन्म सफल कर लीजे। गुरु बिन होम यज्ञ नहीं कीजे, गुरु की आज्ञा माए रही जय। गुरु जी के बिना कोई भी आपका धार्मिक अनुष्ठान आपने नहीं करना है, और गुरु जी की आज्ञा में ही चलना है। अब कितनी गहरी वाणी बोली है प्रभु ने, गुरु सुरतुरु सुरधे नु समाना पावे चरणन मुक्ति परवाना। आप जो सतगुरु हैं, पूरे गुरु हैं, देवताओं के एक सुरतुरु बताते हैं, स्वर्ग में एक सुरतुरु देवताओं का वृक्ष, तरु माने वृक्ष, कहते हैं उसके नीचे बैठकर जो भी कामना करते हैं वही मनोकामना पूर्ण हो जाती है। सुरतुरु बोलते हैं उसके, देवताओं का वृक्ष। और एक सुरधेनु यानी देवताओं की गाय, उसके पास जाकर के जो भी याचना करते हैं उसी वही यानी आहार, उसको खाद्य पदार्थ बना बनाया तैयार मिल जाता है। तो कहते हैं गुरु जी, सतगुरु जो होते हैं वो सुरतुरु भी है और सुरधेनु भी है। गुरु गुरु सुरतुरु सुरधेनु समाना पावे चरण मुक्ति परवाना, तन मन धन अर्प गुरु सेवे हो गलतान उपदेश सही लेवे। तन मन धन अर्प, अर्पण करके और गुरु जी की यानी शरण ग्रहण करे, उपदेश ले। तन मन धन अर्प गुरु सेव, तन मन धन कैसे अर्पण करना है, पुण्यात्माओं अपने हृदय में इस बात का एक गांठ लगा ले, यानी सच्चे दिल का अपना विश्वास कर ले कि ना तो यो शरीर तेरा और ना वो संपत्ति और परिवार तेरा, बिल्कुल नहीं है। ये मन में धारणा हो जाए कि न तो मेरा परिवार है, न मेरा शरीर है, न ही मेरी ये संपत्ति है, ये सब प्रभु की है और इसका सदुपयोग करूं। संपत्ति का दसवां अंश गुरु को दीजिए, ये धन अर्पण कर दिया आपने, और अपने बच्चों को परिवार को भी मालिक के चरणों में लगा दे ताकि उनका भगवान रखवाला हो जावे और आप भी समर्पण रहे प्रभु में। तन मन धन अर्प गुरु सेवे हो गलतान उपदेश सही लेवे, सदगुरु की गति हृदय धारे और सकल बकवाद निवारे। गुरु जी ने जो मार्गदर्शन कर दिया केवल वही साधना उसी नियम में रहे, बाकी सब बकवादों को छोड़ दे। गुरु के सम्मुख वचन ना कहे सो ससरे नी गैणी सुख ले। गुरु के सामने अपनी नहीं चलावे तगड़म्बाजी, क्योंकि आपको वो ज्ञान नहीं हो सकता जो इस दास पर कृपा मालिक ने कर रखी है, और इस दास की आज्ञा और जो भी फाइनल फैसला करे वो फाइनल हो आपके लिए। आपका पुराना ज्ञान चाहे कितना आपने अच्छा लगता उसको रिजेक्ट कर दे, छोड़ दे। जिन बातों से गुरु दुख पावे उन बातों को दूर भगावे, उनको फेंक दे चाहे कितना अच्छा लगता, छोड़ दे उन सब चीज़ों ने। अब जैसे शुगर के मरीज को अब मीठा तो अच्छा लग गया उसने, और डॉक्टर कहे भाई शुगर तो मरीज ये मीठा नहीं खाएगा, ना मिठाई ना चीनी, और वो फिर भी डॉक्टर की आज्ञा का पालन नहीं करता तो मरेगा फिर और क्या इलाज है। तो चीनी मीठी तो लग रही है, इसमें कोई शक नहीं मीठी भी है, लेकिन उसके लिए व्यस्त है। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में गुरु जी की आज्ञा का पालन ना करना विष के तुल्य आपकी भक्ति को नष्ट कर देता है। गुरु के समक वचन ना कहे सो ससरे नी गैणी सुख ले। गुरु जी के सामने
एंड बैंड नहीं बोला है, क्योंकि गुरु जी के सामने जैसे भगवान के पास जाना होता है ऐसे ही दृष्टिकोण से आना चाहिए। अपनी फरियाद करे, जो भी आदेश हो शिरोधार्य करे और चल पड़े, चाहे मन कुछ भी सोचता रहे, क्योंकि परमात्मा अंतर्यामी है, आपके सब दुखों से परिचित हैं और वो आपकी जितनी श्रद्धा आपकी होगी उतना ही निवारण आपको साथ साथ रिजल्ट देते रहेंगे। तो आपने समर्पण और श्रद्धा बढ़ानी है, उसके बढ़ाने के लिए आपको यहाँ बुलाया जाता है, भक्ति बताई कराई जाती है, दान पुण्य करवाया जाता है, सेवा करवाई जाती है, ताकि आपकी श्रद्धा जितनी बढ़ेगी उतना ही प्रभु आपके संकटों का निवारण समांतर करता रहेगा। अब जैसे आप यहाँ आए, अराते ही आपको ठीक कर दिया, आप ना हो भूल गए भी यहाँ, क्योंकि हमने देखे जाड़े लवानी है, जाड़े लवाए लाया, हो गया आराम हो गया, बस ये क्या वहाँ जाना नहीं भूल कर फिर, तो यहाँ आते भी आपको सुख दिया जा सकता है। लेकिन ये परमात्मा चाहते हैं कि ये बच्चा आते कुछ तो राहत अवश्य देगा, ताकि आपका विश्वास बने। और आप पर आज कलयुग में आगे हो इतने पाप है, गिनती नहीं, एक सुख थोड़ा बहुत मालिक अपनी तरफ से अवश्य देता आपको, फिर 100 संकट और हैं अभी तो आपके ऊपर बैलेंस, वो भी निवारण करवाने हैं, तो फिर आपको बुलाया जाता है कि आप महीने में एक बार अवश्य आइए। आपको बुलाने का क्या तात्पर्य है कि यहाँ आने से आपको बहुत पुण्य मिलता है, आपको बहुत भक्ति लाभ होता है। आप बच्चे हो, आपको मालूम नहीं, ये दास डॉक्टर है, जो भी आपको कैसे कैसे आपके अंदर शक्ति प्रवेश करवानी है, प्रभु की पुण्य कैसे प्रवेश करवाने हैं, फिर ये ज्ञान आपके हृदय में पहुंचाना है। और जिस दिन आपकी श्रद्धा पूरी हो जाएगी, आप सपने में भी दुखी नहीं होगे, ये सत्कर मान लेना, क्योंकि पाप जब बढ़ जाते हैं, जन्म में भी दुखी सोवे फिर भी दुखी, क्यों सपने भी बुंडे बुंडे आवे। और जब आप भक्ति करोगे, ढंग से लग जाओगे, आप वैसे भी सुखी और स्वप्न में भी परमात्मा की भक्ति है, आरती करते होगे, कभी मंत्र कर रहे होगे, कभी मेरे गुरुदेव भगवान ये गा रहे होगे, स्वप्न में भी सुखी, यानी भक्ति स्वप्न में भी हो रही होगी। गुरु से शेष करे चतुराई, सेवा ही नरक में जाई। ओह, जो गुरु जी के सामने चतुरता करता है, छल कपट करता है, उसकी जो सेवा है यानी वो पूजा समाप्त हो जाती है, धन भक्ति का, और कहते हो नरक में जाई, नरक में डाल दिया जाता है। शिष होए सर्वस नहीं वारे, ये कपट मुख प्रीत उचारे। शिष होके और समर्पण नहीं किया तो क्या का काय का भगत वो, और ये कपट मुख प्रीत उचारे, अंदर तो दोष है ऊपर तो मीठा बोला, ये भगवान को पसंद नहीं। सो जीव कैसे लोक सिधाई, बिन गुरु मिले मुहे ना पाई। गुरु से कपट करे चतुराई, सोहन सा भव भर में आई। गुरु से कपट शेष जो राखे, यमराज जाके मुगदर चाखे। गुरु जो जन गुरु की निंदा करही, शुक्र समान गर्भ में पढ़ी। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। अपने मुख निंदा जो करही, परिवार सहित नरक में पढ़ी। अपने आप क्या बताते हैं परमात्मा के, अपने गुरुजी की निंदा यदि कोई कर रहा है तो भी आपने सुननी नहीं चाहिए। यदि गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना। जिसने गुरुजी की निंदा कान से भी सुन ली किसी नालायक ने, कहते हैं तो भी तू नरक में जाएगा, तेरा नाम खंड हो जाएगा। अब यहां समस्या एक आती है कि जैसे कोई व्यक्ति है निकम्मा, वो बुराई कर रहा है गुरुजी की, आप बैठे हो, ट्रेन में बैठे हो, बस में बैठे हो, या कहीं ऐसे स्थल पर बैठे हो, और वो चलो ऐसे वैसे स्थान पर हो तो उठ कर चला जा, आदमी इतना तो कर ही सकता है, लेकिन बस में बैठे हैं, ट्रेन में बैठे हैं, और काफ़ी लंबा सफ़र है, और वो कोई निंदा कर रहा है और आप सुन रहे हो, तो आपके मन में शंका होगी कि मेरा तो नाम खंड हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सुनने का अर्थ ये है, जैसे कोई आपके गुरुजी की बुराई कर रहा है, आप सुन रहे हो, लेकिन आपके हृदय में वो नहीं समा रही है कि वो सच ठीक कह रहा है, आपका मन ये कह रहा है ये अनजान व्यक्ति है, इसको पता नहीं, ये वैसे ही कह रहा है, आपके हृदय में उसके हाँ में हाँ नहीं बनी, तो आपने सुनकर भी नहीं सुनी,
ये इनमें बहुत अंतर होता है एक एक बात में। और यदि आप उसके कहने से आपके हृदय में ऐसा आ गया कि हो सकता है हमारे गुरुजी ने ऐसा गलत काम कर ही दिया हो, तो आपने सुन ली, वो सुन ली, और आपके मन में स्वप्न में भी नहीं आए कि ये जो कह रहा सच्ची हो सकती है, तो आपने नहीं सुनी, तो आपको दोष नहीं। गुरु की निंदा सुने जो काना, ताको निश्चय नरक निदाना, अपने मुख निंदा जो कर ही परिवार सहित नरक में पड़ी। गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। ओए होए, अपने गुरु को छोड़कर और दूसरे में आस्था बनाता है। अब जैसे आप किसी भी कोई भी आपको इस भक्ति मार्ग का ये ज्ञान दास से सुनकर आपको कोई सुना रहा है भक्त, और आपकी श्रद्धा उस भक्त में हो जाती है, वो हो ही तो बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है, उसे के चरण छून लग जाए, उसी के ऊपर आसक्त हो गए, तो आपका गुरुजी से नाम खंड हो गया। इस दृष्टिकोण से परमात्मा कहते हैं, गुरु को तजय भजय जो आना, ता पशुआ को फोकट ज्ञाना। उस पशु ने को कोई ज्ञान नहीं है, वो भक्त नहीं है। जो अपने गुरु को छोड़कर दूसरे में ठीक श्रद्धा बनाता है, उसमें आसक्त होता है, उसकी उसी को पूजा शुरू कर देता है। अब पुण्यात्माओं, एक एक पॉइंट पर बहुत गहराई सोचना है। अब कोई भक्त ज्ञान सुना रहा है, बहुत अच्छी बात है, उसके द्वारा सुने ज्ञान पर अमल करें और उससे कहे भाई मुझे भी गुरुदेव के पास ले चलो, मेरा कल्याण करा दो। और आपने नाम ले रखा है और फिर कोई चर्चा चलती है, ऐसी कोई बात नहीं, फिर भी सुनो, और कोई पुराना भक्त है वो अच्छी अच्छी बातें बताएगा तो बहुत अच्छी बात है, गदगद हो जाओ कि मेरे गुरुजी ने कितना अच्छा ज्ञान दिया हुआ इस बच्चे को, भाई को, बहन को, और ये सब गुरुजी का ही दिया हुआ ज्ञान है, इसका नहीं है। तो उसमें आपको एज ए भाई यानी गुरु भाई गुरु बहन तो आपकी श्रद्धा हो सकती है, लेकिन अन्य दृष्टिकोण से, क्योंकि हम फिर उस पर इतना आसक्त हो जाते हैं, उसको फिर प्रणाम करने लग जाते हैं, बड़ा अच्छा भगत से, तो ऐसे ये बीमारी हमारे भगत समाज में पड़ी रही और इसका लाभ ये काल उठा गया। जैसे कमाल था, कमाल वो मुर्दा जिंदा किया था प्रभु ने, एक दरिया में बहता हुआ एक मुर्दा सब जा रहा था 12-13 वर्ष के बालक का, और एक शेख तकी था सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह का धार्मिक पीर, वो कबीर जी से ईर्षा करता था और कबीर परमेश्वर जी की कृपा से सिकंदर लोधी दिल्ली के सम्राट का असाध्य रोग दूर हो गया था, जो शेख तकी से भी नहीं हुआ था, किसी से भी नहीं हुआ था, जिस कारण से सिकंदर लोधी की आस्था कबीर जी में घनी हो गई थी। और वो जो पहले वाला जो वो परमानेंट उसका गुरु था धार्मिक मजहब की तरफ से, वो शेख तकी था, तो उस शेख तकी ने जब देखा कि कबीर जी में मेरे सम्राट की मेरे शिष्य की कबीर जी में ज़्यादा श्रद्धा होगी है, तो ईर्षा करने लग गया कबीर जी से, उसको नीचा दिखाने की चेष्टा में उसने कहा कि राजा या तो तू बाज आ जा और नहीं तो मैं तो एक काफिर को गुरु बना लिया, तूने एक हिंदू को गुरु बना लिया, मैं तेरी पूरे मुसलमान समाज में तेरे बारे में बताऊंगा और सबको तेरे विरोधी कर दूंगा। अब राजा चिंतित हो गया कहीं तेरे राज को खतरा ना हो जाए, तो परमात्मा के सामने उसने अपनी प्रार्थना रखी। कबीर जी ने कहा भी ठीक है, तो शेख तकी ने क्या शर्त रख दी कि मैं जब इसको मानूंगा ये भगवान है, अल्लाह का नबी है, कोई मुर्दे को जीवित कर दे। तो परमात्मा ने जो अपने भगत की टेंशन दूर करनी थी सिकंदर लोधी की, तुरंत कर दी। जिस दरिया के किनारे वो खड़े थे वहीं पर एक मुर्दा बच्चे का शव बहता हुआ आ गया। कुछ कबीले ऐसे होते हैं ना, तो वो गाड़ते जमीन में ना सभा करते, वो जल प्रवाह कर देते हैं मृत्यु होने के बाद के पशु जीव जंतु इसके शरीर का मांस खा कर दुआ देंगे। ऐसे सुसज्जित एक बना करके प्लेटफार्म सा फ्लोट सा एक
घास फूस का जो तैरता रहे ऐसा बना देते हैं बेड़ा सा, उसके ऊपर शव को लुटा कर और चलता कर देते। तो उसी समय वो लड़के का शव आ गया, परमेश्वर कबीर जी ने अपनी शक्ति से उसको जीवित कर दिया था। तो सभी ने कहा कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, उसका नाम कमाल रख दिया और उस बच्चे को अपने साथ अपने बालक रूप में शिष्य रूप में रख लिया। अब वो युवा बालक हो गया, कुछ दिनों के बाद 10-15 साल में 20-25 वर्ष की आयु का हो गया। तो वो परमात्मा से ज्ञान सुनकर, कबीर जी का ज्ञान सुनकर वो भी ज्ञान औरों को सुनाने लग गया। जैसे बताते हैं भक्त, आप भी बताते हो और भी बताते हैं। अब जवान लड़का था, अच्छी आवाज थी, बढ़िया गला था, परमात्मा की वाणी गा गा के इतने सुरीले ढंग से सुनावे। तो जो परमात्मा कबीर जी के शिष्य थे वो 64 लाख, उनमें से बहुत सारे कमाल जी के ऊपर आसक्त हो गए। ओहो हो, कमाल तो भाई कमाल है, तेरा नाम भी कमाल, तेरा काम भी कमाल, और भाई तू तो गुरु जी से भी बढ़कर हो गया। ओहो, आप तो गुरु जी से भी अच्छी जो है ना ज्ञान सुनाते हो। अब इस बात से वो कमाल फूल गया, वो यानी उसमें अभिमान छा गया। और कबीर जी परमात्मा उसको बार बार धिक्कारते थे, उसको धमकाते थे कि निकम्मे तू अपना कर्म बना ले और प्रभु मत बनाए। लेकिन ये प्रभुता की भूख इतनी बुरी होती है, जीव नरक जाना स्वीकार कर लेगा, प्रभुता छूटे नहीं। कहते हैं राज तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाई। और जब तक ये नहीं तजे जाएंगे इतना भगवान नहीं मिला। तो हम निकले भगवान के लिए, हमें पता है मनुष्य जीवन मिला भगवान प्राप्ति के लिए, और फिर उसमें कोई वस्तु बाधा है उसने फेंक दे तुरंत तोड़ के, उसको एक तरफ फेंके तो भगवान मिले। लेकिन उस कमाल ने परमात्मा के आदेश का पालन किया नहीं, तो प्रभु ने उसको धमका दिया। वो वहां से निकलकर परमात्मा से रुष्ट हो गए, अक्षुब्ध हो गए, खिन्न होकर के वहां से निकल गया और जाके कहीं दूर देश स्थान पर रहने लगा, जहां के वो नालायक भक्त गुरुजी के शिष्य उसको चाहते थे वहीं चला गया, वहां रहने लग गया। अब वहां रहा, उसने एक छोटा सा आश्रम बना लिया। अब पुण्यात्मा समर्थ जो कार्य करता है को जीव नहीं कर सकता। जैसा कल उदाहरण दिया था कि जैसे वायु बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत ज्यादा था है, और उसमें से एक टायर में पंप से हवा भर भी ली, वो टायर ट्यूब में टायर में डालकर ट्रक में डाल दिया, ठीक है वो काफ़ी सहयोगी होगी वह हवा उसको, लेकिन वो तो सीमित है। ऐसे ही किसी भक्त ने, उस कमाल ने परमात्मा की कुछ दिन सेवा करके, दोनों नाम दिया उसकी भक्ति करके, कुछ शक्ति अवश्य होगी थी, लेकिन वो जीव ही था। और वो अनजान भक्त जो परमात्मा के शिष्य थे कबीर जी के, उस पर आसक्त हो गए। तो यहाँ बताते हैं गुरु को तजय भजय जो आना था पशुआ को फोकट गया ना। अरे जब कबीर खुद मालिक बैठे और उस वो कमाल के टिंडे देगा उन्हें कमाल की बात, यहीं से हम गिरते सतर गिरता गिरता यहाँ आ लिए। हम सतलोक में इसी तरह गिरे थे, हम अपने भगवान को छोड़कर परमेश्वर कबीर जी सत्यपुरुष को, और ये सत्य ये ज्योति निरंजन काल वहाँ तपस्या कर रहा था एक टांग पकड़ा होकर, हमने अपने भगवान से हृदय हटा के इसमें लगा लिया और इसका फल यो मिला, गधे कुत्ते सूअर 84 लाख योनियों में कितना कष्ट उठा रहे हम, और फिर वही फिर दोहरा रहे हैं क्योंकि ज्ञान नहीं हमने। तो उसने क्या किया कमाल ने, वहाँ रहने लग गया। अब जो भक्त परमात्मा के पास आते थे उनको सुख होया करता खूब, अब वो चेले बन गए कमाल के। अब 5-4 वर्ष तो उनके काम ठीक चले, क्योंकि जो हैंडपंप से पानी उन्होंने ले लिया था वो जब तक चला उनकी पुण्य कमाई तब तक तो वो दुखी हुए नहीं, फिर कोई काम उनका होने लगा नहीं, तो धीरे धीरे वो कमाल से भी हट गए। अब कमाल ने 5-4 और चेले रख रखे अपने आश्रम में रख रहे, तो वो कहने लगे गुरुजी यहाँ भगत तो आने ही बंद हो गए। तो उन्होंने कहा भाई यूँ करें
कि गुरु जी का जन्मदिन मनावांगे, कल जेठ की पूर्णमासी आ गई, सब न कह दे भाई कल जेठ की पूर्ण जेठ पुत्रते की पूर्णमासी है और गुरु जी का प्रगट दिवस मनाएंगे और खीर ख्यार बनावांगे, भंडारा करेंगे, सभी गांव वालों दूध लाइयो, दूध पहुंचाना। अब पहले कोई समागम करता था तो गांव वाले खुश होकर दूध ले जाते थे और ठोक देते थे ड्राम के ड्राम। अब किसी का लाभ होया नहीं, सारे बयान बैठी होगी, दूध रहा ना डंगते तो सब कपटी हो गए। अब सब ने सोचा भी बखत से दूध डालावांगे और ना डालकावांगे तो यू नाराज हो जाएगा, कदे शराब स्वरूप ना दे दे कमाल है। और प्रत्येक के मन में, क्योंकि परमात्मा कबीर जी खेल खेलते हैं, अब वो जो भगत थे गांव वाले, जो 50-60-100 जितने भी थे, उन्हों के सबके मन में के दुर्भावना आ गई कि बखत तो उठ कर सबसे पहले मुँह अंधेरे जाऊंगा और दूध की जगह पानी का लोटा डालूंगा, किसने बेरा पट्टा है। अब सुबह सुबह लाग गई लाइन, अकमारा जी सत्साहेब, कहाँ भाई सत्साहेब, आज दूध लाए हैं, डाल दो भाई वहाँ ड्राम में जो से पहले कराया करते। अब कपड़ा उठावें और पानी तरड़ा डालें, गुरु जी ने महाराज जी ने पता लग जाए कि हाँ डाल रहा है कुछ, दूध डाल गया। एक आधे भगवान ने उसमें दो चार दूध भी डाल दिया होगा। कमाल बोला भाई आता दूध बहुत आ गया और बच्चों खीर बना लो। अब वो लागे खीर बनाने, वो ड्राम पानी का भरा, थोड़ा बहुत दूध उसमें कितना गिर गया को भगवान, तो कहने लगे गुरुजी तो सारा पानी का फुल भरा है। कुमार बोला झूठ बोलो, देखा जा गया सारा पानी का भरा, किसकी खीर बने थी। इतना शर्मिंदा हो गया रात्रि में, उस आश्रम ने छोड़ कर पता नहीं कित मरिया जाके छोड़ चल गया। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं अब आप भी मरिया और उन शिष्यों उन पुण्यात्माओं को ले डूबिया नकमी आत्मा जो परमात्मा से जुड़ी थी। गुरु को तजय भजय जो आना, तापसुआ को फोकट ज्ञाना।